कार हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी एनवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर को इस वीडियो में देखेंगे। इसका पहला पार्ट हमने बनाया है जिसका 35 प्रश्न पहले पार्ट में है। अब हम प्रश्न संख्या 36 से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे? आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, फ्रांसीसी, जर्मन, तो वे फ्रांसीसी विद्वान थे। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अन्य दो ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। अन्य दो ऑप्शन है स्पेनिश और अंग्रेजी, चौथा ऑप्शन में है। तो हमने ऑप्शन दूसरा को सही माना था, ऑप्शन पहला सही था, फ्रांसीसी। तो गारसा दत्तासी जो थे वे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम व्यक्ति थे, वे फ्रांसीसी थे। और अगले प्रश्न के तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चंदन बालारास का रचयिता कौन है? ऑप्शन है आसुब, जिद्धर्म सूरी, सुमति गणी, शालीभद्र सूरी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आसुब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? ऑप्शन है अनामिका, परिमल, गीतिका, झरना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, झरना। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? ऑप्शन देखेंगे, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पलाशवन किसका काव्य संकलन है? ऑप्शन है नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर। तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है केशवदास, रतन वाबनी, रशनिधि, रतन हजारा, रसलीन अंगदर्पण, धनानंद इश्कनामा। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन, केशवदास, रतन वाबनी इनकी रचना है, रसनिधि, रतन हजारा इनकी ये रचना है, रसलीन इनका रचना अंगदर्पण है, घनानंद इनका रचना इश्कनामा नहीं है, इश्कनामा बोधा की रचना है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? ऑप्शन है गुंजन, सांध्य गीत, पल्लव, युगबानी। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सांध्य गीत, ये महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन है भारतभूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। यहाँ तार सप्तक में प्रथम सप्तक के बारे में कहा गया है। मैंने तार सप्तक से एक वीडियो बना रखा है ट्रिक के माध्यम से, आप उसे अवश्य देख लें, आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है प्रेमचंद, घर में, शिवरानी देवी, कलम का सिपाही, अमृत राय। तो ये दोनों सुमेलित है, प्रेमचंद घर में है, ये शिवरानी देवी की रचना है। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी थी, कलम का सिपाही अमृत राय ये प्रेमचंद के पुत्र थे। आवारा मसीहा राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है, आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर की रचना है, शरत चंद के जीवन पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये ब्रजरत्न दास ये भी सुमेलित है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलूस रुका है रिपोर्टार्ज के लेखक कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, विवेकी राय, रंगे राघव। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विवेकी राय। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं थी? ऑप्शन देखेंगे, 24, 18, 22, 33। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 24। यहाँ पे ये मेरा गलत हो गया था,
मैंने 18 लगाया था, तो आप इसे याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद के झरना में इनके 24 कविताओं का काव्य संकलन है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना नानक की नहीं है? ऑप्शन है अंगबधु, शोहिला, आशा दीवार, रही रास। ये दोनों और सोहिला ये नानक की रचना है, अंगबधु नानक की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन है समांतर कहानी राकेश वत्स, अकहानी गंगा प्रसाद विमल, सक्रिय कहानी महीप सिंह, सचेतन कहानी कमलेश्वर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अकहानी गंगा प्रसाद विमल। अगला प्रश्न है, अति शुद्धो स्नेह को मारक है पंथी किस कवि द्वारा रचित है? ऑप्शन है मीराबाई बिहारी, मीराबाई रशखान, घनानंद। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, घनानंद। अगला प्रश्न है, गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक की भाषा क्या थी? ऑप्शन है भोजपुरी, खरी बोली, अवधि ब्रज। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, खरी बोली। अगला प्रश्न है, ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है चंद्रभान चरित, मलखान चरित्र, उदयभान चरित, सूर्यभान चरित। तो रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है, इसे भी आप याद रखेंगे, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फैट समाटा का संबंध हिंदी के किस काव्यांदोलन से जोड़ा गया है? ऑप्शन है छायावाद, नई कविता, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, छायावाद। अगला प्रश्न है, तंत्री नाद कवितरस सरसराग रतिरंग पंक्ति की रचयिता कौन है? ऑप्शन है भूषण, केशव, घनानंद, बिहारी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बिहारी। अगला प्रश्न है, नागरी नीरद नामक पत्र कौन निकालता था? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? ऑप्शन है चांद का मुंह टेढ़ा, ये तो मुक्तिबोध की रचना है, हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञेय की है। अन्य दो ऑप्शन भी देख लेते हैं, आंगन के पार द्वार, बाबरा अहेरी, ये अज्ञेय की है, चांद का मुंह टेढ़ा, ये रचना अज्ञेय की नहीं है, मुक्तिबोध की है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है दुलाई वाली बंग महिला, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी, पंडित और पंडितानी, मास्टर भगवान दास। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित और पंडितानी, मास्टर भगवान दास। और दुलाई वाली ये बंग महिला की रचना है, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की रचना है, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, ये तीनों रचना सुमेलित है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटू अंधेर रतिया पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ऑप्शन है अब्दुल रहमान, विद्यापति, मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, रेती काल को अलंकृत काल किसने कहा है? ऑप्शन है मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मिश्र बंधु। में कौन सा सुमेलित नहीं है? शांत रस निर्विद, रौद्र रस क्रोध, अद्भुत रस विस्मय, भयानक रस जुगुप्सा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।